आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये झटपट बन जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े का है। आप लोग वीडियो फुल वॉच करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों से बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ हमने लिया है सोया और इसे हमने अच्छे तरीके से वॉश कर कट कर लिया है, और हमने लिया है मसूर की दाल एक प्याली और इसे हमने वॉश कर लिया है, और यहाँ हमने लिया है एक अदद प्याज और चार अदद हरी मिर्च, उसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। आलू लिया है हमने, आलू को कट कर लिया है और अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। तो अब इसे हम बनाते हैं। यहाँ हमने लिया है एक बर्तन, अब हम चूल्हा ऑन करेंगे। बिस्मिल्ला, बर्तन हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल लिया है हमने सरसों का। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम प्याज और हरी मिर्च डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आज हम बना रहे हैं मिक्स सब्जी, दाल, आलू और साग, ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो यहाँ प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अभी इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे दाल, इसे हमने पहले ही वॉश कर लिया था, और इसे अच्छी तरीके से हम चलाएंगे। दाल में जो पानी है इसी के साथ हम 1 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। दाल को हमने 1 मिनट मसाले के साथ भून लिया है, अब इसमें हम सोया साग डालेंगे और इसे भी हम 1 मिनट दाल और मसाले के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरीके से ख़त्म हो सके। तो यहाँ देखिए ये बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम आलू डालेंगे। आलू डालने के बाद 1 मिनट इसे हम फिर से मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे ताकि आलू का जो पानी है वो भी अच्छी तरीके से ख़त्म हो सके। आलू को भी हमने 1 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से भून लिया है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी लिया है हमने 2 बड़ा ग्लास और इसे हम अच्छी तरीके से चला लेंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम 5 से 6 मिनट पकाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, उससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो यहाँ पे हमने 5 मिनट के बाद चेक किया है, तो देखिए माशाल्लाह 5 मिनट में हमारी सब्जी जो है काफ़ी गल गई है। इसे हमने अच्छे से चला लिया है और इसे हम फिर से कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे फिर से 4 से 5 मिनट पकने देंगे। तो यहाँ पे फिर से 5 मिनट हो चुका है, तो अभी मेरी सब्जी जो है 10 मिनट से पक रही है, तो 10 मिनट में ये पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। देखें दाल, आलू और साग बहुत ही अच्छे से गल चुका है, तो इसे हम चला लेंगे ताकि दाल और साग अच्छे से मिल सके। और आलू का जो पीस है वो ऐसे ही रहेगा, आलू को हम नहीं मिलाएंगे, सिर्फ साग और दाल को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे चलाते हुए। तो यहाँ पे मुझे पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसे हम फिर से कवर कर देंगे और 2 मिनट इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो 2 मिनट के बाद देखें अल्हम्दुलिल्लाह सब्जी रेडी हो गई है, और माशाल्लाह देखें देखने में कितना यमी है, कितना टेस्टी है और साथ में बहुत ही हेल्दी भी है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से साग और दाल मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं आलू की पीसेस ऐसे ही हैं। अब हम आपको डिसआउट कर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह,
देखिए माशाल्लाह कितना यम्मी सा ये रेडी हुआ है। ये देखने में जितना टेस्टी है खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप इसे बनाएं, खाएं और हमें कमेंट भी करें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी दुआ है आप सबके लिए, अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखें, सेहत के साथ रखें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलूंगी नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।